यहां पे आपको आगाह करें, गुलजार अंडरपास के करीब क्रेन खराब होने से ट्रैफिक की रवानी शदीद मुतासर है। कैनाल रोड, जिना हॉस्पिटल, मौलाना शौकत अली रोड, अल्लाहू चौक पर ट्रैफिक का शदीद दबाव है। इस बारे में हमें बताएंगे अरसलान हैदर। अरसलान, बताइए क्या मामला है? जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ये वारिस मीर अंडर पास पर, जो कि ये जा रहा है गुलजार अंडर पास की जानेब। तो यहाँ पर जो ये जेंट्रीज लगी हुई थी, यहाँ पर काम जारी था, ये तरक्याती काम था, साइन बोर्ड्स लगाए जा रहे थे, यहाँ पर कोशंस लगाई जा रही थी कि जो जिस क्रेन पर ये काम किया जा रहा था उस क्रेन का हाइड्रोलिक प्रेशर का जो पाइप फटने से तमाम ऑयल जो था वो लीक कर गया, जिसकी वजह से जो क्रेन थी वो मुकम्मल तौर पर जैम होकर रहेगी। पिछले 2 घंटे से ये क्रेन जो है वो जैम यहाँ पर खड़ी हुई है मेन केनाल रोड पर कैंपस अंडर पास के बिल्कुल फ्रंट पे, और इसके बाद अब यहाँ पर जो है इसको हटाने का काम जारी है। और सिटी ट्रैफिक पुलिस के जो अफसरान है वो भी यहाँ पर मौका पर पहुंच चुके हैं और यहाँ पर इसको हटाने के लिए कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन अभी तक कोई इंतजामिया का बंदा यहाँ पर नहीं पहुंचा कि इसके ऊपर क्या लाया अमल जो है बनाया जाएगा। ट्रैफिक की लंबी कतारें लग चुकी हैं, आपको मेरा कैमरा दिखा सके तो ये पीछे वो क्रेन खड़ी हुई है और ये इन साइन बोर्ड पर ये जो क्वेश्चन बोर्ड्स लगे हुए हैं इनके ऊपर काम किया जा रहा था और इस क्रेन का हाइड्रोलिक प्रेशर जो था वो फट गया, जिसकी वजह से तमाम ऑयल जो था वो सड़क पर गिर गया और साथ में क्रेन जो थी वो सड़क पर दरमियान में जो थी वो जैम होकर रह गई और जिसकी वजह से ट्रैफिक जो थी वो शदीद मुतासिर हो रही है। सुबह सवेरे का टाइम है, शहरियों को शदीद मुश्किलात से आगाह कर रहे थे आप।